हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनाकल इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। जो टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो आज हमारा डेली करंट अफेयर और तारीख है 30 मई। तो आज हम बात करेंगे 30 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और सेशन में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तारीख याद रखिए, तारीख है आज की 30 मई 2018, जिसका करंट अफेयर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली न्यूज जो आ रही है वो आ रही है आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। ये देश कौन कौन से हैं, तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश पीएससी ने लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब इस बार के पीएससी ने लास्ट ईयर के पीएससी में स्टेट फॉरवर्ड 3 क्वेश्चन पीछे पूछे थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर के विजिट के ऊपर और प्रेसिडेंट के विजिट के ऊपर। तो ये आपको विजिट याद रखना है कहाँ कहाँ के विजिट पे गए हैं। तो आप उसके अलावा आपको एक और चीज याद रखना है कि जहां जहां पे विजिट में जा रहे हैं वहां पे कौन कौन सी डील्स होती हैं, ये सारी चीजें भी याद रखना होती हैं आपको। तो सबसे पहले ये कंट्री कौन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, याद रखिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये सिटी है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल आपको पता होगा कुआलालंपुर। जहां पे विजिट पे रहते हैं वहां की कैपिटल पूछी जा सकती है कुआलालंपुर, ये है मलेशिया की कैपिटल। और मलेशिया के अलावा थर्ड जो सिटी है दैट इज सिंगापुर, और सिंगापुर की कैपिटल काफी ज्यादा इजी है, सिंगापुर की कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी। तो याद रखिए इन 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन होंगे, चीजें साइन होंगी, ट्रीटी साइन होंगी, तो ये इन पे नजर एक बार बना के रखिएगा। अगली न्यूज आ रही, सर्ज दसॉल्ट का निधन हो गया, इनका संबंध किससे या फिर ये कौन थे। सर्ज दसॉल्ट के बारे में आपने बात करूं तो अगर आपने पीएससी वगैरह का भी एग्जाम की तैयारी करी हो तो आपने एक बहुत कॉमन टाइटल सुना होगा, इट वॉज राफेल। आपने नाम सुना होगा राफेल विमान। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब कांग्रेस सरकार थी, इट वाज इन 2012, तो अपने इंडिया के बीच में और फ्रांस की एक कंपनी, इंडिया की कंपनी एंड फ्रांस की द कंपनी थी जिसका नाम था डसॉल्ट एविएशन। इनके बीच में राफेल प्लेन्स को लेके विमानों को लेके डील हुई थी। ये फाइटर बेसिकली प्लेन होते हैं और इनको लेके डील हुई थी कि इंडिया फ्रांस से ये विमान परचेज करेगा और कितने परचेज करेगा। इट वाज कांग्रेस के टाइम पे जो डील हुई थी कि उन्होंने ये कहा था, कांग्रेस ने ये टाई अप किया था कि इंडिया 18 प्लेन तो वहां से सीधे खरीदेगा और बाकी जो 108 प्लेन है, यानी कि टोटल 126 प्लेन की जो डील हुई थी, तो 108 प्लेन के लिए वो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया में होगी। यानी कि 18 प्लेन की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कहाँ पे होगी, फ्रांस में होगी, और 108 प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी। लेकिन उस टाइम पे इस चीज को लेकर बहुत विवाद हो गया, हालांकि ये डील अटक गई और ये राफेल विमान नहीं आ पाए उस टाइम पे। फिर इसके बाद जब आपकी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इस डील को एक नए ढंग से किया। उन्होंने कहा कि हमें 18 प्लेन आपसे नहीं खरीदना और 108 प्लेन हम इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कराना, हम आप समझ क्या कह दी, आप हमें क्या दे दीजिए, हमें सीधे 36 विमान दे दीजिए बने बनाए, क्योंकि हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हालांकि पहले ये राफेल के संग में डील कैंसिल हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 36 विमान हमें सीधे दे दीजिए। फिर उन्होंने 36 विमान के लिए जो प्राइस कोट किया, इट वॉज 58,000 करोड़। और इसको लेके कांग्रेस ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया कि इतना महंगा अगर आप खरीद रहे हो तो देन डेफिनेटली इस चीज में कोई ना कोई घपला हो रहा है, क्योंकि 58,000 करोड़ वॉज अ वेरी बिग प्राइस। और इस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया कांग्रेस ने। और ओवरऑल अब जो राइट नाउ ये डील है, ये 36 विमानों की है जो 58,000 करोड़ में खरीदने वाले। और इसके अलावा भी आपको फ्रांस के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है ये आपको याद रखना है, इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम इनका, इमैनुअल मैक्रोन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया और फ्रांस की जो एक्चुअल में रिलेशनशिप है उसमें काफी बड़ी दरार आ गई थी इस चीज को लेके, क्योंकि ये और इस चीज में एक और चीज में ऑब्जेक्शन उठाया गया क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया की कौन सी, अब जैसे फ्रांस की कंपनी जो है वो डसॉल्ट एविएशन के साथ में डील हो रही, तो इंडिया की भी जो कंपनी उन्होंने इन्वॉल्व करी वो कंपनी किसकी थी, रिलायंस की, अनिल अंबानी की जो कंपनी है, अनिल अंबानी की जो रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस का जो डिफेंस सेक्टर है, उन्होंने बीजेपी ने इनको इनकॉर्पोरेट किया अपने साथ, बीजेपी या फिर भारतीय गवर्नमेंट बोला जाए। तो इस चीज को लेकर भी कांग्रेस ने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया था कि बीजेपी इज ट्राइंग टू गिव द बेनिफिट टू द अंबानी।
अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज आ रही है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने भारत में 2014 से लेकर 2018 के दौरान कितना विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है इसके बारे में बताया। तो कितना विदेशी निवेश भारत में प्राप्त हुआ है, और इसके अलावा सुषमा स्वराज के बारे में मैं आपको बता दूंगी, सुषमा स्वराज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, तो कल परसों उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो द थिंग इज कि पहली बात है, इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि इसका जो आंसर है ये 14 लाख करोड़, इंडिया में 14 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि बाहर से इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से विदेशी निवेश जो जिसे बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और या फिर FDI भी बोला जा सकता है। और इसके अलावा सुषमा स्वराज की बात करी जाए तो ये हमारी मध्य प्रदेश की एक जगह है विदिशा, विदिशा की सांसद हैं सुषमा स्वराज जी, और अगर अभी देखा जाए तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, काफी पॉपुलर हैं और यंग यूथ में इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, बिकॉज शी इज वेरी, मतलब सच में काफी अच्छा काम कर रही है सुषमा स्वराज जी। और इनके बारे में एक और चीज बता दूं कि कल या परसों शायद IPL का जो क्वालिफायर हुआ था उसमें राशिद खान ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और एक क्वेश्चन में मैं पूछा था राशिद खान के ऊपर, तो कुछ लोगों ने सुषमा स्वराज जी को ट्वीट किए थे कि राशिद खान को इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाए, तो इसमें सुषमा स्वराज जी ने जो रिप्लाई किया था कि जो सिटीजनशिप वाला मामला रहता है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, वो कहां पे आता है, होम अफेयर्स के अंडर में। तो ये भी काफी फनी चीज थी कि सिटीजनशिप का जो मामला है ये आपका होम अफेयर्स के अंडर में आता है, तो ये आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि सिटीजनशिप का जो मामला है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो याद रखिएगा। हालांकि इट वॉज ऑन फनी नोट, अगली न्यूज पे चलते हैं, किस देश की क्रिप्टो करेंसी पेट्रो है, क्रिप्टो करेंसी पेट्रो है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए कौन सा देश है जहां पे क्रिप्टो करेंसी पेट्रो है, तो कंट्री इज वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला। अब वेनेजुएला से क्या कर रहे हैं अपन, वेनेजुएला से एक्चुअल में अपन तेल खरीद रहे हैं, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट वहां से खरीदते हैं, और वेनेजुएला ने अपन को ऑफर किया है कि आप हमारे यहां से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो हम आपको 30% सस्ते प्राइस पे दे सकते हैं, बट द थिंग इज यू हैव टू पे अस इन द क्रिप्टो करेंसी दैट इज पेट्रो, यानी कि वहां पे एक ही कंट्री ऐसी जिसने लीगलाइज करके रखा है क्रिप्टो करेंसी को, और पेट्रो एक ऐसी करेंसी जिसको जो वेनेजुएला ने लीगलाइज करके रखा है, और लेकिन भारत ने इस चीज को मना कर दिया क्योंकि भारत क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता, भारत की तरफ से सख्त बयान जारी करे गए कि क्रिप्टो करेंसी को हम लीगल टेंडर में कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए भारत ने मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू पे यू इन द पेट्रो, तो भारत पेमेंट किसमें करेगा, डॉलर्स में ही करेगा, और इसलिए भारत को 30% महंगी प्राइस में पेमेंट करना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा किसे 2 वर्ष के लिए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है पंकज सरन जी को, किसको बनाया गया है, पंकज सरन जी, नाम याद रखिए पंकज सरन, ये क्या है, ये अभी रशिया में भारत के राजदूत हैं, यानी कि रशिया में ही इज पोस्टेड इन रशिया, रशिया में भारत के राजदूत हैं। और अब सिंस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं कौन, तो ये भी है अजीत डोवाल जी, अजीत डोवाल जी, ही वॉज ए मेंबर ऑफ रॉ, और रॉक में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, रॉ यानी कि इंडिया की जो डिफेंस विंग है, मतलब जो सीक्रेट विंग है वो उसको बोलता है रॉ, उसको बोलते हैं रॉ, और जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है तब से अजीत डोवाल जी हमारे यहाँ अजीत डोवाल जी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और ये बिलोंग कहां से करते हैं, रॉ को बिलोंग करते हैं, यानी कि पहले इन्होंने रॉ में काम किया। किस देश की सरकार द्वारा 1 महीने के लिए फेसबुक को वहां पे बंद किया जा रहा है, तो फेसबुक को बंद करने वाली कंट्री कौन सी है, ये आपको याद रखना है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेसबुक अभी हाल ही में काफी ज्यादा विवाद में रहा है, क्योंकि एक न्यूज आई थी कि फेसबुक ने जो यूजर्स का डाटा है ये बेच दिया है, इस चीज को एक्सेप्ट भी किया फेसबुक ने, मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के CEO हैं उनके ऊपर अमेरिकी संसद में कार्यवाही भी करी गई, उनके ऊपर पूरे आरोप भी लगाए गए कि उन्होंने डाटा बेचा है। ये कंपनी कौन सी थी जिन्होंने जिसको फेसबुक ने डाटा बेचा था, ये कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये भी याद रखिए कैम्ब्रिज एनालिटिका ये कंपनी थी जो कि यूजर्स का डाटा खरीद रही थी फेसबुक से, और ये भी आपको याद रखना है, इसलिए फेसबुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कंट्री जहां पे 1 महीने के लिए फेसबुक बैन कर दिया गया है, द कंट्री इज पापुआ न्यू गिनी, ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक की कंट्री है, और ये इन्होंने 1 महीने के लिए फेसबुक को बैन कर दिया गया है ताकि वहां पे जितने फेक अकाउंट चल रहे हैं, जितनी पोर्नोग्राफिक कंटेंट पोस्ट हो रहा है फेसबुक पे, उसका पता लगाया जा सके कि ये सब कौन कर रहा है, और इसलिए ये कंट्री है पापुआ न्यू गिनी जिन्होंने 1 महीने के लिए फेसबुक बैन कर दिया गया है। लेकिन ये चीज आपको याद रखना है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने फेसबुक के बारे में ये चीज
फेसबुक से डाटा खरीदा था और फेसबुक वॉज सेलिंग इट अवर डाटा, यानी कि यूजर का डाटा बेच रहा था। और अभी भी हाल ही में आपको पता होगा कि इंग्लैंड में एक नया डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, तो वो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। अगली न्यूज पे चलते हैं, भारत राजस्थान परियोजना की मैं सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए किस बैंक के साथ $21.7 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये कौन सा है, ये इन्होंने हस्ताक्षर जो किए हैं ये किए हैं इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ। और राजस्थान के बारे में आपको और भी आपको याद रखना है कि राजस्थान की सबसे पहली बात है कि राजस्थान के सीएम कौन है, तो राजस्थान की जो सीएम है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। और ये हमारी सिंधिया फैमिली को बिलोंग करती हैं और ये राजस्थान की सीएम है। और इसके अलावा आपको राजस्थान के गवर्नर भी याद रखना है, तो राजस्थान के गवर्नर जो है वो है कल्याण सिंह। कौन है राजस्थान के गवर्नर? राजस्थान के गवर्नर है कल्याण सिंह। अगली न्यूज पे चलते हैं, अगली न्यूज आ रही ग्लोबल टाइम्स किस देश का सरकारी अखबार है। तो ग्लोबल टाइम्स कहाँ का सरकारी अखबार है? ग्लोबल टाइम्स सरकारी अखबार है चाइना का। और ये न्यूज में अचानक से क्यों आ गया? क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समझौते चल रहे थे, इसको लेके इन्होंने टिप्पणी करी है कि ये चीजें गलत हो रही है। तो आपको ये याद रखना है कि ग्लोबल टाइम्स कहाँ का अखबार है, ये है चाइना का अखबार। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समझौते चल रहे थे, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में वार्ता हो रही थी, इस चीज को लेकर इन्होंने कटाक्ष किया है। और इंडोनेशिया के कैपिटल में आपको पहले बता चुका हूं, इंडोनेशिया की कैपिटल इज जकार्ता। क्या कैपिटल है? जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। भारत की कैपिटल आपको पता है न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल। तो ये आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। चाइना की कैपिटल आपको पता होगी बीजिंग। चाइना के प्रीमियर का नाम क्या है? सिंग जिंगपिंग। अगली न्यूज पे चलते हैं, अगली न्यूज आ रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कितने ऋण प्रदान किए। सबसे पहली बात है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस चीज से संबंधित है। ये योजना थी कि जो हमारे यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री को खोलना चाहते हैं, यानी कि छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको गवर्नमेंट को सबको गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिए गए थे। ये लोन देने के लिए मतलब हमारी भारत सरकार द्वारा ये योजना लाई गई थी। तो ये नाम क्या है इसका? जो नाम था इसका नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको लाया गया था अप्रैल 8, 2015 में। कब से स्टार्ट हुई थी? अप्रैल 8, 2015 में। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आसपास भी अप्रैल और मई के महीने में बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट हुई थी। तो आपको यह याद रखना है कि कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई थी। और PMMY का मतलब बेसिकली टारगेट क्या था कि जो लोग नॉन कॉपरेट वाले हैं या फिर जिनको लोन नहीं मिल सकता उनको लगभग 10 लाख रुपए तक का लोन देना, ताकि वो अपना छोटा बिजनेस खुद स्टार्ट कर सके। और अगर बात करी जाए कि पिछले अंतर्गत केंद्र सरकार ने कितना ऋण प्रदान किया है, तो केंद्र सरकार ने जो लगभग 5.75 लाख करोड़ का लोन दिया है। किसने दिया है? हमारी सरकार ने 5.75 लाख करोड़ का लोन दिया है इस योजना के अंतर्गत। बिजली राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है श्री आर के सिंह, और इन्होंने बिजली बिल के भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए किस ऐप वेब पोर्टल का को लॉन्च किया है। तो देखिए ये आपको नाम याद रखना है, नाम आपका है प्राप्ति। क्या है? प्राप्ति। देखिए अपने यहाँ क्या होता है, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तो द थिंग इज कि नाम बहुत यूनिक से सोचे जाते हैं और फिर उनके जो फुल फॉर्म रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा और यूनिक रहते हैं। तो आपको ये नाम आप बिल्कुल याद रखिए, इसका फुल फॉर्म तो आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा क्योंकि फुल फॉर्म बैंक में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है इट इज पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद रखना, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बैंक में पूछा जा सकता है। पेमेंट रेटिफिकेशन एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्राप्ति। डीआरडीओ के अंतरिम महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डीआरडीओ के अंतरिम महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये कौन है? इनको संजय मिश्रा जी को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नाम क्या इनका? संजय मिश्रा जी। और संजय मिश्रा जी है कौन? ये करंट में डीआरडीओ के सचिव हैं
रक्षा सचिव हैं हमारे यहाँ के संजय मिश्रा, और इनको डीआरडीओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि डीआरडीओ के जो पहले महानिदेशक थे एस क्रिस्टोफर जी, इनका रिटायरमेंट हो गया है। हालांकि इनका जो कार्यकाल है खत्म हो गया है, तो एस क्रिस्टोफर जो 2015 से हमारे यहाँ ये डीआरडीओ का डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे थे, हालांकि गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाए लेकिन बात नहीं बन पाई। और अब अगले 3 महीनों तक डीआरडीओ में कोई भी एक्चुअल में महानिदेशक नहीं रहेगा, यानी डायरेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई मतलब राइट कैंडिडेट अभी तक नहीं मिला है। डीआरडीओ अपने एकेडमी डीआरडीओ को आपको फुल फॉर्म याद रखना है, डिफेंस एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ होता है। इसके अलावा रक्षा मंत्री आप याद रख सकते हो निर्मला सीतारमन जी हमारे यहाँ की कौन है, रक्षा मंत्री। अगली न्यूज पे चलते, कोल इंडिया लिमिटेड अपना पहला थर्मल पावर प्लांट कहां पे विकसित कर रहा है, तो ये अपना थर्मल पावर प्लांट विकसित कर रहा है, कहां पे विकसित कर रहा है, उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर के अलावा यहाँ के आप सीएम भी याद रख सकते हो, सीएम जो यहाँ के नवीन पटनायक जी, क्या नाम इनका, नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम। और इसके अलावा ये जगह कौन सी है, ये कहां पे अपना प्लांट विकसित कर रहा है, तो ये जो ये सुंदरगढ़ में अपना ये प्लांट विकसित कर रहा है, कहां पे, जगह का नाम है सुंदरगढ़ में 1600 मेगावाट का प्लांट बनाया जा रहा है, 1600 मेगावाट का प्लांट बनाया जा रहा है, जगह कौन सी, सुंदरगढ़। लिनॉन सोसाइटी ऑफ लंदन ने बॉटनी में लिनॉन पदक प्राप्त करने वाले पहली भारतीय कौन है, लिनॉन सोसाइटी ऑफ लंदन से बॉटनी में लिनॉन पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि पहले भारतीय कौन है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लिनॉन सोसाइटी ऑफ लंदन के जो प्राइस चालू हुए थे, इट वॉज प्रॉबली इन 1888, यानी कि 1800 में ये पूरे प्राइस मिलना चालू हुए, लेकिन तब से लेके आज तक किसी भी भारतीय को ये प्राइज नहीं मिला था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिनॉन सोसाइटी ऑफ लंदन ने पहली बार ये प्राइज दिया है। और ये प्राइज दिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जिनका मैं नाम आपको बताने वाला हूँ, इन्होंने बॉटनी के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया, और जो एनिमल और प्लांट से रिलेटेड जो काम किए जाते हैं उसमें इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो इनका नाम आप याद रखिए, इनका नाम है कमलजीत बाबा। और लिनॉन सोसाइटी का गठन कब हुआ था, इनका गठन हुआ था 1888 में, और तब से लेकर आज तक भारत से किसी को भी ये प्राइज नहीं मिला था, पहली बार भारत में प्राइज आया है। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2018 घोषित हो गए हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो ये हमारे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, विराट कोहली। इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये प्राइज भी गया है भारत के पास, लेकिन ये आपको बताना है होमवर्क में कि सीएट इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। आपको मैं हिंट के लिए बता दूं, ये भारत की तरफ से ओपनिंग करते हैं, इन्हें मिला है सीएट क्रिकेटर रेटिंग अवार्ड। और आई वॉन्ट एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। और इसके अलावा बेस्ट बॉलर का अवार्ड किसे मिला, इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है, ये है हमारे राशिद खान जी। और हमारे तो नहीं कह सकते क्योंकि अफगानिस्तान को बिलोंग करते हैं, लेकिन राइट नाउ ही वाज प्लेइंग इन आईपीएल, और आईपीएल में ये कौन सी टीम के लिए खेल रहे थे, ये खेल रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद क्या रही, उपविजेता रही आईपीएल की, और आईपीएल की विजेता कौन रही, चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स को कौन लीड कर रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी, और एसआरएच को कौन लीड कर रहे थे, केन विलियमसन। तो ये आज के करंट अफेयर, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून, टेक केयर एंड अ नाइस डे। और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो अपना ख्याल रखिएगा।